इन्फो विन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के भारतीय इकदाम के ख़िलाफ़ मुसलमान ममालिक गुस्से में आ गए। उम्मत मुसलमा के अहम तरीन लीडर तैयब एर्दोगान भी मैदान में आ गए हैं। तुर्की ने इन मुश्किलात के पेश नज़र मुस्लिम ममालिक को लीड करने का इरादा कर लिया और भारत के मुसलमानों को इनका हक दिलाने की भी ठान ली। तुर्की ने भारत के मुसलमानों को RSS और BJP के चुंगल से आज़ाद करवाने और बाबरी मस्जिद को इसकी अपनी असल हालत में बहाल करवाने की कसम खा ली, जिससे मोदी सरकार की नींदें हराम होकर रह गई हैं। मोदी और इसके हवारी राम मंदिर को बचाने के लिए अपने इतिहादियों की मिन्नतें करने पर उतर आए हैं कि तुर्की और अरब ममालिक को किसी तरह रोका जाए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि तुर्की ने अब राम मंदिर के खिलाफ कौन सा दबंग ऐलान कर दिया है। आपको ये भी बताएंगे कि भारत के मारूफ सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुहिम चलाने वाली दबंग खातून शबनम हाशमी ने मोदी के नापाक अजैम के खिलाफ तारीखी ऐलान करके भारत भर में कोहराम बरपा कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी ने इकतदार की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को नाफिज करने का बेड़ा उठा लिया था और अपने मिशन को कामयाब करने के लिए मोदी भारत को टुकड़ों में तकसीम करने का सामान पैदा कर बैठा है। मोदी ने अपने अजायम में से एक को कामयाब करने के लिए जैसे ही राम मंदिर की तामीर का ऐलान किया तो मुस्लिम ममालिक के अहम तरीन रहनुमाओं ने इस पर शदीद किस्म का रद्द अमल देते हुए मोदी को इस इकदाम को रोकने की वार्निंग भी दी। तुर्की के सदर, जो कि दुनिया भर में एक ताकतवर लीडर की हैसियत रखते हैं, उस वक्त से भारतीय मुसलमानों के हक के लिए मैदान में आ चुके हैं, जिनके खौफ की वजह से भारत के ऐवानों पर लर्जा तारी हुआ पड़ा है। मोदी के हवारियों ने तुर्की को रोकने के लिए अपने अहम तरीन इतिहादियों से राबते करना शुरू कर दिए हैं। अरब ममालिक के रहनुमाओं और तुर्की के सदर ने मोदी को खबरदार किया है कि अगर इसने राम मंदिर की तामीर को मुकम्मल कर भी दिया तो इसका भी वही हाल होगा जैसा इसके इंतहा पसंद तंजीमों के कारिंदों ने मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद के खिलाफ किया था। राम मंदिर को एक दिन भी इसकी बुनियादों पर किसी सूरत खड़ा नहीं रहने देंगे। इसको गिराकर फिर से मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को तामीर किया जाएगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद की वो हैसियत है जिससे करोड़ों मुसलमानों के दिल धड़कते हैं। इसकी शहादत पर दुनिया भर के मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था, जिसके हवाले से अब भी मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की शहादत से बड़ा दुख उस वक्त हुआ जब भारत की सुप्रीम कोर्ट, जो उस वक्त मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही थी, ने फैसला दिया था कि इस मुतनाज़ा जगह पर हिंदू अपना मंदिर तामीर कर सकते हैं, जबकि मुसलमानों को सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन देकर एहसान कर दिया गया। इस फैसले से सारी दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया था। मोदी सरकार और इसके इदारों की अकलियतों के हवाले से पॉलिसियां सारी दुनिया पर अयां हो गईं। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर ने कहा है कि अब बाबरी मस्जिद की बहाली का बेड़ा तुर्की की फ़ौज ने उठा लिया है और तुर्की की फ़ौज किसी भी वक्त अयोध्या के इलाके का घेराव करके मस्जिद के कंट्रोल को हासिल कर लिया जाएगा। तुर्क सदर ने यह भी कहा है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके बाबरी मस्जिद की तामीर को शुरू करवा दिया जाए। इस मामले में मोदी सरकार के हवारियों की जानिब से किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश की जाए तो इसको वहीं पर ज़मीन में गाड़ दिया जाए और बाबरी मस्जिद को इसकी अपनी असल हालत में बहाल करके तुर्की वापस आना चाहिए। नाज़रीन इकराम, तुर्की की जानिब से बाबरी मस्जिद के मामले को दुनिया भर के अहम तरीन फोरम्स पर उठाने का फैसला कर लिया गया है। तुर्की ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को बेनकाब करता है। 9 नवंबर को दिए जाने वाला भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मुतनाज़ा फैसला था, जिसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसके अलावा तुर्क सदर ने यह भी कहा है कि भारत में इंतहा पसंदों के अजायम को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के नाम निहाद आकाओं ने शहरियत तरमीमी बिल की आड़ में दिल्ली फसादात जैसे सानियात करवाने में पेश पेश रहे और मुसलमानों का ना हक खून बहाया गया, जिसकी कीमत अब भारत को चुकाना पड़ेगी। मुसलमान ममालिक अब मोदी सरकार के अजायम के खिलाफ खामोशी अख्तियार नहीं करेंगे। भारत के खतरनाक अजायम के खिलाफ अरब ममालिक को जिस हद तक भी जाना पड़ा वो जाएंगे और मुसलमानों को इनका हक दिला के रहेंगे, क्योंकि भारत के मुसलमान लावारिस नहीं हैं। इंतहा पसंद तंजीमों का जब दिल चाहे वो मुसलमानों के कत्ले आम का बाजार गर्म नहीं कर सकती। अब इनको अरब ममालिक तिगनी का नाच नचा के रहेंगे और इसी तरह ही भारत की अकल ठिकाने आएगी। नाज़रीन इकराम, भारत की मारूफ सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुहिम चलाने वाली दबंग खातून शबनम हाशमी ने तहलका खेज इंकशाफात करके भारत भर में कोहराम बरपा कर दिया। अजीत डोल के घर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या हुआ, सब हकायक सामने ले आई। मोदी के गोदी मीडिया के खिलाफ दबंग ऐलान करते हुए कहा कि जिस दिन भारत की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आने वाला था, उस दिन मोदी का गोदी मीडिया दुनिया भर को ये दिखाने में मसरूफ था कि बहुत ही अच्छा फैसला आने वाला है जिससे मुसलमानों को दुख नहीं होगा और ये फैसला भारत के तमाम लोगों को कबूल करना होगा। उनका ये भी कहना था कि जमीनी हकायक उस दिन बता रहे थे कि उस RSS के कारिंदे भारत भर में अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स कर रहे थे और ये तंजीमें रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रही थी कि किसी किस्म का कोई एहतजाज मुसलमानों की जानिब से ना किया जाए। कहीं कोई ये सवाल ना उठा सके कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का फैसला क्यों दिया गया। सब लोग ये कहते फिरते रहे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कमाल फैसला कर दिया है।
2010 में अलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी यही हुआ था, तब भी आरएसएस के गुंडे मुतहरक हो गए थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के मजहबी लीडरों को मोदी सरकार के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल के घर पर बुलाया गया और वहां पर जो तमाशा लगाया गया इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अजीत डोल के घर मुसलमान रहनुमाओं पर दबाव डाला गया कि वो लोगों को ये यकीन दहानी करवाने की कोशिश करें कि सब ठीक है, और इस दौरान उन्होंने अपना सर झुकाकर ये कहकर है कि हम आपके साथ हैं और हम पूरे हिंदुस्तान में इस बात को पूरी तरह फैलाएंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अच्छा है और ये हमारे मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। मुसलमान इस फैसले के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे और इसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, शबनम हाशमी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सहाफ़ी जो मोदी सरकार के दबाव में नहीं है वो इस कोशिश में लगे रहें और इस तरह के इकदाम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। माहौल के खौफ से बालातर होकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार की जानिब से ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि अगर कोई सवाल करे तो कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इस खौफ को पसे पुश्त डालकर हमें ये कहते रहना चाहिए कि हमें अयोध्या तनाज़े पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, हमें शहरियत तरमीमी बिल भी मंजूर नहीं। अगर आवाज़ें कम भी हो जाएं लेकिन आवाज़ों को मोदी सरकार के नापाक अजम के खिलाफ बुलंद ज़रूर होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतालिक आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ जस्टिस सारे हकायक पूरी दुनिया के सामने ले आए। मोदी सरकार का गोदी मीडिया बाबरी मस्जिद के इन असल हकायक और आरएसएस के चीफ मोहन भगवत के किरदार पर पर्दा डालने लगा। मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों की मौत यकीनी हो गई। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले में बीजेपी के कौन कौन से रहनुमा मुलव्वस थे? साबिक चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रान के तहलका खेज इंकशाफात से भारत में कोहराम बरपा हो गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के कमीशन की सरबराई करने वाले साबिक जज ने कहा है कि अयोध्या तनाजे पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तमाम कम्युनिटीज के जज्बात की तर्जमानी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ केस के टाइटल को तब्दील किया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तहलका खेज इंकशाफ करते हुए कहा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस दिन आरएसएस के चीफ मोहन भगवत, जो अब मोदी का दायां बाजू बने हुए हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत की जगह पर मौजूद थे और वो ये देखने आए थे कि इनकी तंजीम के कारिंदे बाबरी मस्जिद की शहादत में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जब कमीशन ने बाबरी मस्जिद की शहादत के कुछ दिन बाद हकायक का जायजा लिया और इस पर तफसीली रिपोर्ट मुरतब की और 17 साल बाद जब 2009 में बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत के हवाले किया गया तो इस रिपोर्ट में आरएसएस के चीफ मोहन भगवत और इनकी इंतहा पसंद तंजीम के नाम निहाद कारिंदों के नाम भी शामिल थे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बीजेपी के सीनियर तरीन रहनुमाओं के नाम आए थे जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने की साजिश में मुलव्वस थे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, एलके अडवाणी, कल्याण सिंह, प्रमोद महाजन समेत दीगर अफराद शामिल थे। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों के अहम रहनुमा जो इस वक्त मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों के खौफ से बालातर होकर इनकी बदमाशियों को बेनकाब करने पर लगे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, मोदी सरकार की जानिब से मुसलमानों को तारीखी बाबरी मस्जिद की असल जगह देने की बजाय मुतबादल जमीन देने पर मुसलमानों की तौहीन की जा रही है। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी और कानूनी तौर पर हासिल हकूक की थी। हमें मोदी सरकार की जानिब से कोई चीज भीख में नहीं चाहिए, मुसलमानों का जो हक है वो मोदी सरकार को देना होगा। हमको भिखारी समझ के मत देखो, हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हम कोई भारत में किराएदार नहीं हैं। मुसलमान कोई फकीर नहीं है जो तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने दबंग अंदाज में ऐलान करते हुए कहा कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अपनी औलाद को ये सिखा के जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे और इनको बताएंगे कि बच्चों जब तुम इस दुनिया से जाओ तो अपने बच्चों को ये वसीयत करके जाना कि 6 दिसंबर 1992 को भारत के इंतहा पसंद रहनुमाओं और तंजीमों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इसके बारे में सारी दुनिया को बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी इसको बताते रहना कि हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और हम इसकी शहादत का जिक्र करते रहेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर वादा किया था कि मस्जिद की ईंट को भी हाथ नहीं लगाएंगे। इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और मुसलमानों की मस्जिद जो 550 साल वहाँ पर मौजूद थी, जहाँ पर मुसलमानों ने हय्यल अल सलाह और हय्यल अल फलाह की सदाएं बुलंद की, इंतहा पसंदों ने मस्जिद को शहीद किया और निशानी के तौर पर ईंट लेकर गए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर हम सिसकियां भी ले रहे होंगे तो हम अपने बच्चों को ये बतलाते रहेंगे कि इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। मैं जमीन के लिए नहीं बल्कि मस्जिद के लिए लड़ रहा हूँ, मस्जिद अल्लाह की है और अल्लाह की रहेगी। अगर हम अपने इस मौकफ को छोड़ दें तो फिर मस्जिद अक्सा के लिए भी लड़ना छोड़ देंगे। 70 सालों से मस्जिद अक्सा के लिए मुसलमान अपनी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।